जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के ग्राम सेखपुर में एक दो वर्षीय बच्चे के तालाब में अचानक गिरने के बाद डूबकर मौत हो गई। हादसे से गांव में शोक की लहर दौड़ गई, वहीं परिजनों में कोहराम मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम सेखपुर निवासी प्रशांत शर्मा का मकान गांव के तालाब के पास बना हुआ है। बृहस्पतिवार को उसका दो वर्षीय पुत्र कुंज खेलता खेलता तालाब में अचानक गिर गया। काफी देर तक बच्चे के न मिलने पर उसकी तलाश की गई। तालाब में तलाश की गई तो बच्चे का शव तैरता हुआ मिल गया। बच्चे का शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की मां नीतू शर्मा का रो रोकर बुरा हाल हो गया। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। उन्होंने तालाब की चार दीवारी कराने की मांग की है ताकि दोबारा से कोई हादसा नहीं हो सके। बताया गया कि प्रशांत के एक ही बच्चा था। उजाला न्यूज से संवाददाता नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। बोला तो ठीक है, ये नारे लोहे के अब तो खड़े हो गए हैं, अब वो सामने चले गए। उजाला न्यूज़ हापुड़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें।